हेलो फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एपीआई कॉल कैसे करते हैं रिएक्ट.जेएस में। अगर आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं तो एपीआई कॉल आपको यूजुअली आना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा हमेशा एपीआई कॉल करना होगा। जैसे कि हम बैक एंड को कॉन्फ़िगर कर रहे हो फ्रंट एंड से, तो वो एपीआई कॉल आना चाहिए। तो ये सिंपल वीडियो, एक छोटा सा वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एपीआई कॉल को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीड कोड, सॉरी वीएस कोड ओपन कर लेते हैं, और एक रिएक्ट जेएस का एक सैम्पल प्रोजेक्ट पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो इससे पहले हम एक ओपन ओपन फोल्डर ओपन करता हूँ, इसमें एम्प्टी, सॉरी एम्प्टी फोल्डर। एम्प्टी फोल्डर हम एफ से ले लेते हैं। ठीक है, किधर है भाई एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करके मैं रखा था पहले, ये ओके, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि जो बेसिक प्रोजेक्ट बेसिक एप्लीकेशन जो होता है रिएक्ट जेएस का, वो पहले क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी डिपेंडेंसी है सब अपना आ जाएगा। उसके बाद हम जो भी एपीआई कॉल देखना चाहते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा npx create react app। उसके बाद उसके अंदर जो फोल्डर क्रिएट होगा उसका नाम, तो मैं यहाँ पे क्लाइंट दे देता हूँ। ठीक है, जस्ट इंटर दैट। तो ये होने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक हम वेट करते हैं, उसके बाद एपीआई का जो है वो करेंगे। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस का बेसिक टेम्पलेट जो प्रोजेक्ट था वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप कंफर्म करने के लिए यहाँ देख सकते हैं हैप्पी हैकिंग करके। ठीक है, इसके बाद हम अब देख सकते हो इस फोल्डर के अंदर एक नया क्लाइंट नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है, जो हमने क्रिएट की हमने नेम किया था। और इसके अंदर जो भी रिएक्ट जेएस का डिपेंडेंसी है फाइल्स है वो सब है। ठीक है, तो हम इसे इसको स्टार्ट पहले कर लेते हैं, ताकि ब्राउजर में उसका आउटपुट देख सके। तो इससे पहले हमें सीडी क्लाइंट फोल्डर में, क्लाइंट फोल्डर में जाना पड़ेगा। उसके बाद npm स्टार्ट, ओके। तो हम npm में स्टार्ट कर चुके हैं, तो बेसिकली इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है, तो इसके लिए हम थोड़ा वेट करते हैं। ओके, सो ये रिएक्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट था, अब ये ब्राउजर में रन करने लगा। तो बेसिकली अब हम करेंगे क्या, थोड़ा सा चेंजेज करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे जो मेन वर्क है। इसके अंदर app.js है,
इसका जो डिफ़ॉल्ट है उसको हम पूरा हटा देते हैं और एक अपना क्रिएट कर लेते हैं, RAFCE, जस्ट इंटर, ओके। उसके बाद जस्ट रन दिस, अब उसका आउटपुट देख लेते हैं, या देख सकते हो ऐप, ओके। तो अब हम इसमें चेंजेज करेंगे API कॉल के लिए। तो बेसिकली उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। उसके बाद हमें एक API, मुझे API इनपॉइंट मुझे चाहिए होगा, राइट? सो हम एक फेक API इनपॉइंट ले लेते हैं ताकि उसको यूज कर सके। फेक API JSON, ओके, जस्ट सर्च। उसके बाद जस्ट ये फर्स्ट फ्लो ओपन कर लेते हैं। एक API, फेक API लिंक चाहिए ताकि उसका डेटा हम एक्सेस कर सके, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ कुछ है, तो मैं ये यूजर्स वाला ले लेता हूँ और ये यूजर्स का डिटेल्स है, इसको मैं UI में प्रिंट करूँगा इस API कॉल करके, ठीक है, API लिंक यूज करके। तो मैं एक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा तो उससे पहले हम कर लेते हैं, ओके। तो यूज स्टेट ऐड कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट यूजर सेट यूजर यूज स्टेट, ओके। तो यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू कुछ लेता है तो हम इसको अभी एम्प्टी एरे दे देता हूँ, ओके, क्योंकि ये जो API होगा उसका जो भी डिटेल्स होंगे वो एरे में होगा, तो वही हम इसका क्या बोलते हैं इनिशियल स्टेट, इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और ये एक स्टेट वेरिएबल हुआ, और इस ये स्टेट वेरिएबल अपडेट करने के लिए ये मेथड्स होता है, राइट? तो यूज स्टेट बेसिकली दो चीज़ रिटर्न करता है और उसको हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, राइट? एरे, सॉरी, स्टेट एंड स्टेट मेथड्स, ओके, ठीक है। बस इसका अभी इतना ही रखता हूँ। उसके बाद हमें यूज इफेक्ट यूज करना पड़ेगा। यूज इफेक्ट बेसिकली ये भी हुक है, साइड इफेक्ट हुक है, जो जब कंपोनेंट रेंडर होता है उसके बाद ये रेंडर होता है, फॉर जस्ट बाद, ओके। तो बेसिकली ये दो चीज़ लेता है, फर्स्ट कॉल बैक फंक्शन लेता है और सेकेंड डिपेंडेंसी लेता है। तो डिपेंडेंसी हम अगर एम्प्टी एरे पास करें, इसका मतलब ये जस्ट कंपोनेंट रेंडर के जस्ट बाद ये रन करेगा ये कॉल बैक मेथड। और अगर कोई डिपेंडेंसी इसके अंदर देते हैं तो वो जब डिपेंडेंसी चेंज होगा तब ये करेगा। तो हमें यह डिपेंडेंसी अभी फ़िलहाल में देने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर हम API कॉल करेंगे ताकि जब कंपोनेंट रेंडर होगा उसी समय जो भी API का डेटा होगा उस वो इस कंपोनेंट के अंदर आ जाए ताकि हम उसको UI में शो कर सकें। तो हमें एक और चीज़ ऐड करना पड़ेगा जो कि एक्सक्यूज लाइब्रेरी है, जो हम API यूज करने के लिए API कॉल करने के लिए यूज करेंगे। तो हम वो पहले ऐड कर देते हैं, CD क्लाइंट फोल्डर में जाना पड़ेगा। उसके बाद NPM EXCUSE, ओके, जस्ट इंटर। तो ये पहले ऐड कर लेते हैं मॉड्यूल को। ओके, ये लाइब्रेरी ऐड हो चुका है। तो आप इस कंफर्म करने के लिए ये जिस पैकेट डॉट जेसन है इसके अंदर जाके चेक कर सकते हो कि ये डिपेंडेंसी ऐड हो गया होगा। किधर है भाई डिपेंडेंसी? ये रहा ना, ओके, ये
ये एक्सचेंज ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम उसको एपीआई को कॉल करेंगे, ये एक्सियो यूज करेंगे। इससे पहले हमें एक्सियोज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सियोज, ठीक है, फ्रॉम एक्सियोज। ओके, अब यहाँ पे इस कॉल बैक, सॉरी, ये इस कॉल कॉल बैक के अंदर हम एक्सियोज यूज करेंगे, एक्सियोज डॉट गेट। और इसमें जो एपीआई लिंक है वो पास करें, वो ऐड करेंगे, एपीआई लिंक जो इन पॉइंट है, ठीक है। और ये टोटल जो है ना, ये एक प्रोमिसेस रिटर्न करेगा। तो हम इसको देन मेथड यूज करके इसको डेटा को रीड कर लेंगे, ठीक है। तो ले लेते हैं आइटम, ओके, कॉमा, सॉरी, उसके बाद हम पहले कंसोल कर लेते हैं कि आउटपुट में आ क्या रहा है, ठीक है। लॉग आइटम डॉट डेटा, ठीक है। इसको कंसोल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मैं रीड करूँगा उसके, ठीक है। ये इसका यूआई है, जस्ट रिफ्रेश वंस एंड इंस्पेक्ट। इसका कंसोल चेक कर लेते हैं, ओके, कंसोल। या अब देख सकते हो कि 10 यूजर्स का डेटा का लिस्ट है यहाँ पे, तो सब चीज़ अभी ठीक चल रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, जो यहाँ कंसोल किया हूँ इसको हटाएंगे, और इसमें हम जो स्टेट वेरिएबल लिया हूँ उसको अपडेट, उस स्टेट मेथड में हम इसको पास कर देंगे, ताकि वो स्टेट वेरिएबल अपडेट हो जाए इस वैल्यू से। तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, आइटम डॉट डेटा, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी एरे होगा ये यूजर नाम के स्टेट वेरिएबल में, वो एरे पूरा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको रीड कर लेंगे ये रिटर्न के अंदर, ताकि उसको शो कर, तो हम एक टेबल में दिखा देते हैं जो भी डेटा शो करना चाह रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जनरली प्रोजेक्ट में करेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट रीड करके दिखा रहा हूँ यूआई में कैसे रीड होता है, एपीआई से जो डेटा आता है। तो इसके अंदर हम, मुझे मैप यूज करना पड़ेगा, मैप अप्लाई करेंगे, यूजर जो है ना एरे, उसमें मैप, और इस मैप के अंदर एक कॉल बैक मेथड लेगा। और ये कॉल बैक मेथड में हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे एक जस्ट रिस्पॉन्स ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और इसको हम रीड करते हैं टी आर, क्या है टी आर, टी आर एक वो है ना, रो, सॉरी, जो टेबल होता है उसका रो का होता है, उसके अंदर जो भी कॉलम होता है उसके लिए टी डी होता है। तो इसमें हम डेटा को लेंगे, तो इससे पहले हम चेक कर लेना कि जो आउटपुट आया था उस एरे के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स है। आई डी है, राइट, आई डी है, नेम है, ईमेल है, ठीक है। तो अगर ये लिस्ट हो रहा है, लिस्ट रेंडर कर रहा है, तो एक की वैल्यू की, एक कीवर्ड होता है इसमें, ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है रियस में। तो डॉट आई डी, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें डेटा देना है, सपोज हम, अरे यार, सपोज हम डॉट नेम ले लेते हैं, और इसको बाद हम देखते हैं यूआई में इसका नेम आ रहा है कि नहीं। ओके, रिफ्रेश, कुछ गड़बड़ हो रहा है, जस्ट चेक चेक कर लेते हैं पहले। यूजर मैप रिस्पॉन्स एरर टेबल एंड आईडी,
सबसे पहले हम करते क्या हैं, वन सेकेंड, जस्ट हम करते हैं कि पहले चेक कर लेते हैं ना कि ये जो मैप हो रहा है वो डेटा क्या दे रहा है, तो हम कंसोल कर लेते हैं पहले। ओके, कंसोल डॉट लॉग, लॉग इसके अंदर ये रिस्पॉन्स जो भी है उसको देख लेते हैं कि यूआई में क्या दे रहा है, अदरवाइज हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्यों ये एरर कुछ नहीं आ रहा लिस्ट। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट रेंडर हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा सब तो है, ये आईडी तो ठीक है, नेम नाम का कुछ है तो नेम राइट, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। टेबल दिस वन, ओके जस्ट रिमूव दिस, रिमूव दिस, ना, जस्ट रिमूव दिस, क्योंकि ये सिंगल है तो ये एरर नहीं आना चाहिए। अब क्या भाई आया कुछ, आ या इट्स कमिंग देयर, अब देख सकते हो कि जो भी 10 यूजर्स था उसका नेम अब मैंने प्रिंट करके देख रहा था जो कि नेम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और कुछ लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं। ओके, ईमेल, और ईमेल भी आ चुका है, और क्या इसमें वैल्यू था, ईमेल है, यूजर नेम है, ईमेल है, एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है, कंपनी है राइट, फ़ोन नंबर ले लेते हैं, फोन यस, एक और ले लेते हैं, इसमें हम फोन वेरिएबल ले लेते हैं राइट, जो फोन नंबर होगा वो डिस्प्ले करेगा। तो इसके यूआई में नेम नेम और फोन नंबर आ गया, ईमेल कहाँ गया भाई, अरे यार ईमेल, ईमेल कट हो गया ना, इसको कॉपी करो ना। ओके, ईमेल, ओके, नेम, ईमेल, फोन नंबर, सो ऐसे हम इस तरह से हम एपीआई कॉल कर सकते हैं रेडियस में, और डेटा को यूजर का और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको शो करेंगे यूआई में राइट। मैं सिंपली यहाँ पे जस्ट टेबल फॉर्मेट में दिखा दिया हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे शो कर रहा था कि रिएक्ट जिसमें एपीआई कैसे कॉल करते हैं। तो थैंक यू, और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, थैंक यू, कमेंट कर सकते हो कोई अगर डाउट है तो, थैंक यू, बाय बाय।